3000 लोग और कड़ा इम्तहान गाजियाबाद के मोहित इस तरह बने राम मंदिर के मुख्य पुजारी। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन को चुना गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए अब राम मंदिर में 50 लोगों को पुजारी के रूप में चुना गया है, जिसमें गाजियाबाद के एक छात्र मोहित पांडे को मुख्य पुजारी के रूप में चुना गया है। दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के विद्यार्थी मोहित पांडे अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी बनेंगे। पुजारी के रूप में चुने गए मोहित पांडे ने गाजियाबाद के दुधेश्वर वेद विद्यापीठ में 7 साल तक अध्ययन किया है। तिरुपति स्थित तिरुमाला तिरुपति देवास्थम से संबद्ध श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय में स्नातक कर शास्त्री की उपाधि हासिल की। इसके बाद 2023 में मोहित पांडे ने सामवेद का अध्ययन करते हुए मास्टर डिग्री हासिल की है। वह नामानंदीय परंपरा के विद्वान भी है और उन्हें वेद शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता भी प्राप्त है। मोहित पांडे को गाजियाबाद के दुधेश्वर विद्यापीठ में दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में महंत पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायणगिरी महाराज की देखरेख में विद्या अध्ययन का भी मौका मिला था। आपको बता दें कि मंदिर में भगवान राम की सेवा के लिए पुजारियों की नियुक्ति होनी थी। इसके लिए देश भर से 3000 विद्यार्थियों और पुजारियों का इंटरव्यू लिया गया। 30 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले सकते थे और इंटरव्यू के बाद उनका चयन राम मंदिर के पुजारी के रूप में किया गया। बता दें कि मोहित पांडे समेत सभी चयनित अभ्यर्थियों को पहले 6 माह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें भगवान राम की सेवा में नियुक्त किया जाएगा। वहीं श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री महंत नारायणगिरी ने कहा है कि मोहित पांडे का चयन राम मंदिर के पुजारी के रूप में होना विद्यापीठ व गाजियाबाद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश व देश के लिए भी गर्व का विषय है। भगवान दुधेश्वर की कृपा से ही श्री दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के विद्यार्थी का चयन उनके इष्ट भगवान राम की सेवा के लिए हुआ है। बहरहाल, इस खबर को लेकर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें हापुड़ हलचल।